आसाम के मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते हैं। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियां बोल के डिस्क्रिमिनेट करते। बीजेपी किसी भी स्टेट में रहने दो, सिर्फ नफरत करना मुसलमानों से। तुम हार गए लोकसभा के तो लाइफ एंड डेथ का मैटर हो गया। आसाम के मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते, टॉप 5 झूठों में। और उनकी झूठ यह है कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 24.68 था। और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियां बोल के डिस्क्रिमिनेट करते, आसाम के बाहर गए तो पूरे मुसलमान डिस्क्रिमिनेट करते। झूठ क्यों है बोल रहा हूं मैं आपको। 1951 में आसाम था, उसमें नागालैंड नहीं था, मिजोरम नहीं था, आपके अरुणाचल नहीं था, मेघालय नहीं था, राइट। अब ये अलग स्टेट बन जब बन गए तो उस वक्त 51 में 24.68 मुस्लिम पॉपुलेशन था, 2001 में 30.92 था और 2011 सेंसस में 34.22 था। इतना झूठ बोल रहे, और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। और कैसा कर रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको। वहां पर एक एरिया है जागीर रोड बोल के, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया डिमोलिश मत करो। डीएम साहब जो है ऑर्डर नहीं मिला बोल के सिर्फ मुस्लिम हाउस होल्ड को, कारोबार को डिमोलिश कर दिए। आसाम में नियरली, अच्छा आसाम में जो मिनिस्टर्स कॉलोनी है, ये हेमंत बिस्व को बोलो पूरे मुस्लिम लेबरर्स बनाए वो। अगर 40% है मुसलमान आसाम में तो कौन सा आसमान गिर रहा है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है बताओ? ये कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? 40% है, पूरा तरकारी बेचने वाला मुसलमान, मच्छी बेचने वाला मुसलमान, ऑटो चलाने वाला मुसलमान, कंस्ट्रक्शन वर्कर मुसलमान। आपको नफरत क्यों है इन लोगों से? ये भारत के नागरिक है ना, आप तो मुख्यमंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह आप ये एक समुदाय से नफरत कर रहे हैं। तो हर जगह पर बीजेपी किसी भी स्टेट में रहने दो, सिर्फ नफरत करना मुसलमानों से और उस नफरत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना। और अपने गवर्नमेंट में जहां पावर में है वहां पर एक मैसेज दे देना पूरे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को कि आप कुछ भी कर सकते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से। कैसा लाइफ एंड डेथ है बताइए? शर्म आनी चाहिए उनको। अगर 40% मुसलमान है तो लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? किससे खतरा है आपको देश को? आप बताना चाह रहे 40% से खतरा है आपको? कितना झूठ बोलेंगे, कितना नफरत करेंगे? यानी नफरत की इंतहा कर दे रहे, डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा कर दे रहे आप। 40% अगर तो क्या लाइफ एंड डेथ का मैटर है बताओ? तुम हार गए लोकसभा के तो लाइफ एंड डेथ का मैटर हो गया। भारत में 14% मुसलमान का लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। कश्मीर में मेजॉरिटी में है तो आप लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। क्या मैसेज दे रहे आप पूरे माइनॉरिटीज को और पूरे इंडिया को? क्या मैसेज दे रहे आप? आप बुकलाहट में और नफरत के मजारे बीजेपी कर रही है, फ्रस्ट्रेशन में बल्कि क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है बीजेपी। और फिर उनके स्पोक्स पर्सन बोलते नहीं, वो ऐसा बात नहीं करना, ऐसा बात नहीं करना, ऐसा और फुला और ये जो बात कर रहे क्या है बोलो फिर? ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे उत्तर प्रदेश में, उनकी दुकान पे मत जाओ, सोशल बायकॉट की अपील कर रही उत्तर गवर्नमेंट। आसाम में बोल रहे 40% है तो जिंदगी और मौत का मामला है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है तो मस्जिदों को तोड़ देंगे हम लोग। क्या हो रहा है फिर ये? आप क्या एक पॉपुलेशन, एक माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटीज को क्या आप ढकेलना चाह रहे हैं दीवार की तरफ? CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।